टैक्सिल.com के YouTube चैनल पर मैं सीए सतबीर सिंह आपका स्वागत करता हूं। सरकार ने 20th जीएसटी काउंसिल मीटिंग के लिए नई डेट को अनाउंस कर दिया है। सरकार ने कहा है कि 20th जीएसटी काउंसिल मीटिंग वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के द्वारा 21 जुलाई 2018 यानी कि सैटरडे को की जाएगी। इससे पहले सरकार ने जो डेट अनाउंस की थी वह 19th जुलाई 2018 थी। इसलिए यदि आप प्रोफेशनल हैं या फिर बिजनेसमैन हैं तो इस डेट से पहले अपने सभी काम को समाप्त कर लें ताकि इस दिन आपके पास सफिशेंट टाइम हो कि आप जो जीएसटी के अमेंडमेंट आएंगी उन्हें पढ़ सकें। यहाँ पे बहुत से अमेंडमेंट एक्सपेक्टेड हैं, जैसे कि रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म, रिटर्न फाइलिंग और एक्सपोर्ट के रिफंड से रिलेटेड जीएसटी काउंसिल कुछ डिसीजन ले सकती है। इसके अलावा नेचुरल गैस को जीएसटी के अंतर्गत लेके आया जा सकता है। इसके अलावा जीएसटी के रेट को रिड्यूस करने की भी उम्मीद है कि जीएसटी काउंसिल इस मीटिंग में कोई डिसीजन लेगी। जीएसटी की एनुअल रिटर्न को किस प्रकार फाइल किया जाए उसके लिए फॉर्मेट रिलीज किया जा सकता है। इसके अलावा अथॉरिटी ऑफ एडवांस रूलिंग सेंट्रलाइज्ड की जाए इसके लिए भी जीएसटी काउंसिल डिसीजन ले सकती है। जीएसटी के रिटर्न फाइलिंग को सिंप्लीफाई किया जा सकता है। इसके अलावा पेट्रोल को भी जीएसटी के अंतर्गत लेके आया जा सकता है, इसके रिगार्डिंग भी जीएसटी काउंसिल कोई डिसीजन ले सकती है। इसके अलावा जो जीएसटी की स्लैब रेट है उन्हें मिनिमाइज करने के रिगार्डिंग भी ये उम्मीद की जाती है कि जीएसटी काउंसिल कोई डिसीजन लेगी। आज की जीएसटी की न्यूज़ आपको कैसे लगी इसके बारे में हमें बताएं। लाइक करें और शेयर करें। जितना अधिक आप लाइक करते हैं और शेयर करते हैं उतनी ही अधिक हमें प्रेरणा मिलती है कि हम और भी अधिक अच्छी जीएसटी की न्यूज़ आप तक पहुंचा पाएं। यदि आप जीएसटी से रिलेटेड रेगुलर अपडेट्स अपनी ईमेल आईडी पर मंगवाना चाहते हैं तो आप हमारे न्यूज़लेटर को सब्सक्राइब कर सकते हैं, जिसका लिंक इस जीएसटी न्यूज़ की वीडियो डिस्क्रिप्शन में भी दिया गया है। यदि आप हमारे प्रीवियस जीएसटी न्यूज़ को सुनना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट को रेफर कर सकते हैं।